दोस्तों अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे कि जो पैशन प्रो बाइक होती है उसका मीटर जब वायरिंग से समस्या होती है तो आप उसको किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या मैकेनिक भाई उसमें भी हाथ नहीं लगाते हैं तो जैसे पल्सर का मीटर होता है, एक्सीड होता है, उसी तरीके पैशन प्रो का भी होता है। यानी एक वायर से नहीं चलता कि आप हम सोचें एक वायर से चलता है, एक जगह से प्लस माइनस से नहीं चलता है। दो पॉइंट में करंट दिया जाता है और एक जगह से अर्थिंग दिया जाता है। तो उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं और किस तरीके से यानी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो मेरे सामने एक पैशन प्रो बाइक है। देखिए उसमें क्या है, यही प्रॉब्लम है कि यानी इसका देखिए ये प्रॉब्लम है दोस्तों। देखिए बारिश में अक्सर क्या होता है यानी ये प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ऑयल ज़रूर डाल दें क्योंकि ये बारिश में अक्सर प्रॉब्लम करता है। तो इसको अब देखें इसमें क्या है, अब देखें न्यूट्रल यानी ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन मीटर में कोई भी शो यानी नहीं कर रहा, ये भी कर रहा। और दोस्तों इसका यानी सारे फंक्शन है चालू, पर यानी इसमें जो मीटर में शो करना चाहिए वो किसी तरीके से नहीं कर रहा। तो हमको मीटर का विशेष करके ध्यान देना, मीटर यानी मीटर की वायरिंग कैसे चेक करें कि मीटर वाले के पास ना जा करके पहले हम वायरिंग को ही चेक कर लें, और वायरिंग अगर गड़बड़ है तो उसको सही कर लें। तो और ये हम पहली बार करने जा रहे हैं, इससे पहले हमारे पास ये कंप्लेन भी नहीं आई, और आई तो हमने उसको प्रयास किया लेकिन सब सही था। तो इसको हम किस तरीके सही करते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। दोस्तों कि इसके पीछे यानी ये पॉइंट होता है, उसको दबा के निकालना है, ये वाला, ठीक, यहाँ पर इस तरीके से दबा के तब निकालना है, ठीक। इसको निकाल के करंट चेक कराते हैं दोस्तों। देखिए इसके लिए क्या होता है कि जिस तरीके पल्सर में एक सीट में होता है उसी तरीके से इस बाइक में होता है, समझ रहे। तो उसके लिए क्या है, विशेष करके ये जिसको ग्रीन वायर होता है इसका ग्राउंड यानी ग्रीन वायर जो बॉडी में टच रहता है वो ग्रीन वायर हो गया, और लाल कलर देखना है, लाल कलर हो गया इसका प्लस, और ये प्लस हो गया ये वाला ब्लैक कलर का, ठीक। और इसमें भी ये लाल कलर का डायरेक्ट करंट आता है जिसे पल्सर में आता है, ठीक है। तो हमने पल्सर के लिए वीडियो बना चुके हैं और हम इसका अब बनाने जा रहे हैं, और ये किस तरीके वायरिंग को चेक किया जाता है बताते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक इसमें वायर में लगाया हमने लाल वाले में, ठीक है। और देखिए दोस्तों देखिए ये इसमें यहाँ करंट आ रहा है, ठीक, यहाँ तो आ रहा, ठीक है। उसके साथ साथ जो करंट इसमें आना चाहिए ब्लैक में भी इसी तरीके करंट आना चाहिए मेरे दोस्त। हम लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ देखें बिल्कुल नहीं आ रहा, यहाँ देखें बिल्कुल भी नहीं रहा, और ये हरा वायर ग्राउंड हो जाता है, ठीक। अब हमको इसको चेक करना है, ठीक। अब वायरिंग हम अभी तक नहीं खुली, लेकिन हमें क्लियर नहीं मालूम हो रहा कि ये वायरिंग कहाँ से है। तो हम क्या करते हैं इसी जगह थोड़ा सा कट करके फिर देखते हैं किधर वायरिंग है, क्योंकि इसके पहले हमने क्योंकि यहाँ स्टेपिंग है और इसके लिए हमने कभी यहाँ से कट नहीं किया कि यहाँ प्रॉब्लम हो तो हम इसको बताएं। तो आज हम आपके सामने पहली बार ही ये समस्या यानी सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसको किस तरीके करते हैं हम आपको बताते हैं। देखा दोस्तों ये वायर है इसका, ठीक। अब ये वायर है, अब ये इधर से टूटा है कहीं से, तो इधर से खींच रहा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यही कट करते हैं इसी के आसपास, ठीक है, क्योंकि ये वायरिंग यही कहीं मिस्टेक होगी और आपके सामने ही है समस्या, तो इसलिए आप थोड़ा सा अभी तक कोई कट नहीं किया हमने, और देखिए दोस्तों इसका हम ये लॉक निकाल करके, ये जो इसका लॉक है इस वायरिंग को इधर करके हम यहाँ पर थोड़ा सा, ये बिल्कुल सील वायरिंग है लेकिन थोड़ा सा कट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये वहाँ से मिस्टेक हो रहे हैं, और इसमें पानी भी है यहाँ पर, देखिए दोस्तों पानी इतना सारा भरा है, तो ये तार तो ऐसे में गल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हमको देखना पड़ेगा,
ब्लैक वायर में समस्या है, हम ब्लैक वायर ही इसका चेक करेंगे। पर ब्लैक वायर ये देखिए दोस्तों, ये मिला हमको, ठीक है। और इतना तो पानी इसमें भरा हुआ है, अक्सर इसमें ये समस्या हो जाती है। और हम इसीलिए, हम खुद इसके लिए नए हैं, तो इसलिए हम आपको दोस्तों ये तार टूटा है, इसको जोड़ के हम फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखें मेरे दोस्त, अभी हमने एक वायर इधर जोड़ा है और एक वायर हम, यानी हमको यहाँ से इसको बड़ा नहीं करना है, इसी तरीके से करना है कि यानी तार खींचे ना और आराम से यानी ये सेट हो जाए, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, हम आपको दिखाते हैं, अभी चाबी ऑन कर दिया है और फिर कनेक्शन लगाते हैं इसका, ठीक है। और हमको वहाँ से तो इसका फॉल्ट नहीं मिला, पर हम पहले चेक करा देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको टेपिंग करते हैं। देखा दोस्तों, अब हमने इसको लगा दिया है। पर अभी आया नहीं क्योंकि इसकी फ्यूज उड़ गया है। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ, हैंडल मोड़ते समय वहाँ पर क्या हुआ कि ये फ्यूज उड़ गया, इसीलिए आया नहीं। तो हम इसको लगा करके फिर आपको चेक कराते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वायर खुले होते हैं तो पहले, लेकिन चेक करा देता। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर वायर खुला था और यहाँ पर टच हुआ, इसलिए फ्यूज उड़ गया। अब देखें, हम इसकी चाबी ऑन करते हैं फिर से। और हम ये कनेक्शन नहीं लगाया, कनेक्शन लगाते हैं, इसको ये दबा करके और ये कनेक्शन लगा दिया, ठीक है। अब ये यानी मीटर ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी इस तरीके से इंडिकेटर भी काम कर रहा और ये भी काम कर रहा, और इसमें कुछ भी नहीं था। और पहिया चला के भी दिखा देते हैं, देखिए ये भी चल रहा होगा मेरे अनुसार, ये भी चला। अच्छा, पहिया चला जरा, देखिए दोस्तों इस तरीके से, यानी यानी हमारी छोटी सी, अगर थोड़ा सा ध्यान दे करके और हम चाहें तो मीटर कोशिश करें तो अपने आप से वायरिंग से गड़बड़ है तो उसको सही कर लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है ये जानकारी हम लोगों को नहीं होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बताएं आप लोगों को, जिससे कि भाई ये आप मीटर की प्रॉब्लम होती है, वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, उसके विषय में भी जानकारी हो और ये आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास जो भी अनुभव था हमने आपको बताया, क्योंकि वीडियो लंबा था, फिर भी चाह के पूरा पूरा दिखाएँ आपको, जैसे भी था। चाहें दोस्तों कि हमारा वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी टेक्निकल और अनुभव वाली बातें बताएँ आप तक पहले पहुँचें। नमस्कार दोस्तों।